T20 वर्ल्ड कप का आगाज होने में महज कुछ ही घंटों का समय बचा है। सभी टीमों ने इसके लिए अपनी कमर कस ली है। टीम इंडिया को अपना पहला ही मैच अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है, लेकिन इससे पहले विराट और रोहित शर्मा के लिए एक बुरी खबर है। दरअसल विराट और रोहित के बीच विवादों की खबर पिछले काफी समय से चल रही है। कहा यह भी जा रहा है कि रोहित की वजह से विराट से टीम की कप्तानी छीनी गई। इसी को लेकर दोनों के फैंस नशे की हालत में आपस में भिड़ गए। दरअसल ये मामला तमिलनाडु का है, जहां एक युवक ने अपने ही दोस्त को शराब के नशे में मार दिया, वो भी सिर्फ इस बात पर कि विराट या रोहित में कौन बेहतर खिलाड़ी है। इस घटना में आरोपी एस धर्मराज है, जिस पर अपने ही दोस्त पी विघ्नेश की हत्या का आरोप लगा है। दोनों ही अरियालूर जिले के पोयूर गाँव के रहने वाले। कीलापालूर पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए कहा, दोनों ने शराब का सेवन किया था। शुरुआती जांच के मुताबिक विघ्नेश आईपीएल में मुंबई इंडियंस का समर्थन कर रहा था, जबकि धर्मराज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का प्रशंसक था। इस मामले की जांच कर रहे अधिकारी ने कहा, उनकी बहस के दौरान विघ्नेश ने कथित तौर पर आरसीबी और विराट कोहली का मजाक उड़ाया था। विघ्नेश को हकलाने वाले धर्मराज के बारे में बॉडी शेम करने की आदत थी। उस दिन उसने आरसीबी टीम की तुलना धर्मराज के बोलने की परेशानी से करते हुए कुछ टिप्पणी की थी। इससे धर्मराज गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने विघ्नेश पर बोतल से हमला कर दिया। बाद में उसके सिर पर क्रिकेट के बल्ले से भी प्रहार किया। घटना को अंजाम देने के बाद धर्मराज जल्द ही मौके से भाग गया। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि दोनों दोस्त पास में ही एक खुले मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। किसी बात को लेकर दोनों में बहस छिड़ गई। बहस इतनी बढ़ी कि धर्मराज ने बोतल और क्रिकेट के बल्ले से विघ्नेश पर हमला बोल दिया, जिसके बाद विघ्नेश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसके बाद धर्मराज मौके से फरार हो गया, हालांकि बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।